Interest on investment, Sir. Interest on investment. ये भी सर हिडन एडजस्टमेंट का ही पार्ट है पहले देख लेते हैं सर कैसा हो सकता है स्ट्रक्चर यह आपके सामने मैं एक ट्रायल बैलेंस बना देता हूं एक ट्रायल बैलेंस बना देते हैं ये हो गया हमारा डेबिट और ये क्रेडिट मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट मैंने अब टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया और सर इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है दैट्स वाई ये एसेट साइड में दिखेगा एक लाख मैंने यहां लिख दिया सर इंटरेस्ट जिसको पिछला समझ में आ गया हो गया वो फटाफट कैच कर लेगा इंटरेस्ट लिखा दो हजार इंटरेस्ट 2000 क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में लिखने का मतलब है 2000 मिला है और आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलना कितने परसेंट चाहिए था सर और दस हजार एक लाख रुपए पे कितने बनते हैं दस हजार बनते हैं अगर दस परसेंट देखा जाए तो एक लाख पे कितना इंटरेस्ट बनेगा यानी मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इंटरेस्ट फिजिकल टू हमें एक लाख रुपए पे दस परसेंट मिलना चाहिए था जो कि निकल के आता है हमारा अगर दस हजार का ब्याज मिलना चाहिए लेकिन मिला कितना है इसका मतलब आठ और लेना जब कभी भी कुछ चीजें हमें लेना बाकी होता है तो वो एसेट्स बन जाता है तो यहां पे कहानी फिर से वही आता है सर दो जगह की हम बात कर रहे थे एक तो चला जाएगा कहां पे सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड क्रेडिट साइड दूसरे हम बात करें कहां जाएगा सर एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह जाएगा अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो दो जगह आप दिमाग लगाइए एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह कहां जाएगा एक तो चला जाएगा हमारा एक तो चला जाएगा कहां सर एक चला जाएगा बैलेंस शीट या बैलेंस शीट के बजाय मैं लिख देता हूं एड इन इनकम एड इन इनकम जो भी इनकम होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा किस नाम से एज अक्रूड एज अक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट एज अक्रूड इंटरेस्ट सर अगर हुआ हमारा कहां पे सेकंड देखा जाए तो एड एक्रूड इंटरेस्ट दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा एसेट्स में किस नाम से एज एक्रूड इंटरेस्ट बताइए कोई डाउट यानी जिसको इंटरेस्ट लोन वाला समझ में आ गया ना उसको ये भी आ जाएगा कोई इसमें समस्या किसी को कोई दिक्कत ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था कोई डाउट है बताइए